बसपा नेता सह विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी अशरफी चंद्रवंशी ने अभियान एसपी सदन कुमार पर उनके साथ अपशब्द प्रयोग करते हुए अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया है। स्थानीय रामदुलारी होटल में पत्रकार वार्ता कर बसपा नेताओं ने मीडिया के सामने अपनी बात रखी। श्री चंद्रवंशी ने बताया कि चिनिया रोड में नाली निर्माण का कार्य चल रहा है था। सुबह करीब 11 बजे घनी आबादी होने के कारण सड़क जाम हो गया। उसी समय रास्ते से गुजर रहे अभियान एसपी सदन कुमार अपने हाथ एवं डंडों से निरीह जनता पर बर्बरता पूर्वक पिटाई की। उस पिटाई में LIC अभिकर्ता नागेंद्र यादव सहित कई राहगीर बुरी तरह से घायल हो गए। यह देख जब अशरफी चंद्रवंशी ने इसका विरोध किया तो DSP द्वारा उनको अपमानित करते हुए गढ़वा थाना में ले जाकर 2 घंटे तक बैठाया गया और यह कहा गया कि तुम्हारी नेतागिरी बंद करा दूंगा। बसपा नेताओं ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी SP के इस व्यवहार की कड़ी शब्दों में निंदा करती है एवं बहुजन समाज पार्टी राज्यपाल झारखंड, पुलिस महानिदेशक झारखंड, गृह सचिव झारखंड सरकार से मांग करती है कि DSP अभियान सदन कुमार पर अविलंब जांच कर कार्रवाई की जाए। प्रेस वार्ता में जिला महासचिव सुनेश्वर राम, गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के विधान सभा प्रभारी वीरेंद्र शाह और बसपा कार्यकर्ता मौजूद थे। पुलिस के द्वारा आम राहगीरों के बुरी तरह पिटाई की गई, जिसका मैं विरोध जब किया तो भाई आम लोगों का क्या कसूर है, लोग सड़क पे चल रहे हैं, उस पर अभियान एसपी ने सदन कुमार ने कहा कि आपका नेतागिरी पसार देंगे और हमें गढ़वा थाना में 2 घंटे तक रखा गया। मैं प्रशासन से साफ साफ कहना चाहता हूँ कि 2 घंटा थाना में नहीं बल्कि 2 साल तक जेल में भी रखिएगा तो पुलिस प्रशासन की गलत नीति का मैं विरोध करूंगा, उसको कोई नहीं रोक सकता है। का प्रयोग किया तुम काम तक कहा, जिसका हम लोगों ने राज्य के राज्यपाल, राज्य के पुलिस महानिदेशक और गृह सचिव से इनके बारे में लिखित शिकायत मैं कल करूंगा और जनता के बीच में भी जाऊंगा, जो लोग घायल है उनको लेकर के न्यायालय में भी जाकर के इनके विरोध आंदोलन चलाऊंगा और न्यायालय में भी न्याय के लिए गुहार लगाऊंगा। गढ़वा, पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं।